नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम संगज राहत भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। संगज राहत एक प्रकार का सफेदी लिए हल्के रंग का मुलायम और चिकना पत्थर होता है। इसे संस्कृत में दुग्ध पाषाण और हिंदी में संगज राहत या घिया पाठा एवं अंग्रेजी में टाप या सॉफ्ट स्टोन कहते हैं। यह सिकता और मैग्नीशिया का यौगिक मैग्नीशियम सिलिकेट है। औषधि प्रयोग के अतिरिक्त आजकल इसका प्रयोग टेलकम पाउडर और टूथ पाउडर, दंत मंजनों आदि सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत होता है। यह रक्त स्थीवन, रक्तभमन, मूत्र रक्त, रक्तार्श, नासागत रक्तपित्त और रक्तामाशय रक्त प्रवाहिका के लिए अपूर्व गुणकारी औषधि है। सारांश यह है कि सभी प्रकार के रक्त स्त्राव के लिए यह अतीव गुणकारी एवं अनुभूत सिद्ध औषधि है। पूय मेह में प्रातः सायंकाल मक्खन के साथ 21 दिन तक सेवन करने से अत्यंत लाभ करता है। प्रदर रोग में चावल के धोवन के साथ तथा आंतों में क्षत और शोथ होकर रक्त एवं पूय मिश्रित अतिसार यानी दस्त रोग में गिलोय का सत और शहद तथा मठा या बकरी के दूध के साथ प्रयोग करने से अत्यंत लाभ करता है। वृक्षत जीर्ण ज्वर, रक्तपित्त और रक्तयुक्त कफ, खांसी, मलाई मिश्री अथवा समान भाग सोना गेरू मिलाकर शरबत अनार के साथ सेवन करें। छुरी, चाकू आदि लगने से होने वाले रक्त स्त्राव को बंद करने के लिए घाव के ऊपर इस भस्म को थोड़ा सा लेकर दबा देना चाहिए। यह भस्म पूय मेह यानी सूजाक, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, धातु दौर्बल्य, उरक्षत, अतिसार, मुखपाक, दाह, रक्तपित्त आदि रोगों को नष्ट करती है। कानों में से यदि खून आता हो या कानों में दर्द होता हो आदि, या एक व्यक्ति इस भस्म को कान में डालकर ऊपर से नींबू के रस की दो दो बूंद डालते रहने से थोड़े ही दिनों में बहुत लाभ हो जाता है। आमायक प्रयोग, स्वच्छ दुग्ध पाषाण चूर्ण को यवक्षार के साथ जल में मिलाकर कुछ दिन तक निरंतर लेप करने से सिद्ध कुष्ठ नष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति दूध पाषाण के चूर्ण को कुछ दिन तक जल के साथ सेवन करने या दूध के साथ सेवन करने से सायंकालीन मंद बेग ज्वर नष्ट हो जाता है। दुग्ध पाषाण के सूक्ष्म चूर्ण को अभिघात, चोट या व्रणों पर छिड़कने से वे शीघ्र ठीक हो जाते हैं, फोड़े ठीक हो जाते हैं तथा खून आना बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर के भीतरी अवयवों में होने वाले रक्त स्त्राव, रक्तातिसार, खूनी दस्त, रक्तार्श, खूनी बवासीर, प्रदर आदि रोगों में बहुत लाभकारी है। संगज राहत शीतवीर्य, ग्राही, व्रणरोपण, रक्त स्तंभक और दंत रोग हरय। इसे दही में मिलाकर अतिसार और प्रवाहिका में देते हैं। नाक केसर और खून खराबा के समान भाग चूर्ण के साथ देने से रक्तपित्त, रक्त प्रदर और रक्तार्श यानी खूनी बवासीर में उत्तम लाभ करता है। राल का चूर्ण 4 रत्ती और संगज राहत भस्म 4 रत्ती को चावल के धोवन के साथ देने से श्वेत प्रदर और धातु स्त्राव में विशेष उपयोगी है। संगज राहत चूर्ण 4 भाग में कपूर, कबाब, चीनी, माजू फल, फिटकरी भस्म 1-1 भाग का चूर्ण मिलाकर दंत मंजन करने पर दांतों से गिरने वाला खून एवं पीप निकलना बंद होकर दांत मसूड़े स्वच्छ एवं मजबूत हो जाते हैं। संगज राहत भस्म गाजवान, क्वाथ और घी कुमारी के मिश्रण से बनाया जाता है। संगज राहत भस्म डाबर, बैद्यनाथ, हमदर्द आदि कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब